तो हे गाइस, वेलकम बैक टू के व्लॉग्स। बहुत दिनों बाद वीडियो आपके लिए आई है गाइस। यस, आई एम रिव्यूइंग दिस सुपर डुपर मशीन KTM RC 200। गाइस, ये मेरे फ्रेंड की बाइक है जो कि परचेज किए हुए उसे 7 से 8 महीने हो चुके हैं, और आज आप लोगों के साथ इसके ऑनेस्ट रिव्यू मैं आपको शेयर करूँगा। गाइस, ये देखिए, ये बिल्कुल थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइज़ के लिए सॉरी, बट ये रिव्यू करनी थी मुझे काफ़ी टाइम से, बट माय फ्रेंड इज़ गोइंग आउटसाइड एवरी टाइम इन वीकेंड और ये सब। तो गाइस, पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये जो प्राइस ब्रैकेट है 2 लाख इसके अंडर आ जाती है। 200 cc का इसका इंजन है, जो कि ये 390 में भी अवेलेबल है, बट 200 में भी अवेलेबल है माई फ्रेंड के 200। सो मेरी नहीं है ये, और ये पहला वीडियो है इसका इस चैनल पे। तो गाइस, आज इसको रिव्यू कर रहा हूँ। आप लोगों से विनती करूँगा कि सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, और नीचे जो लाल कलर का बटन है उसे क्लिक कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, आगे भी न्यू वीडियोस लाता रहूँगा। तो गाइस, इसका आज आपको एग्जॉस्ट नॉट वगैरह सब सुनाऊँगा। तो गाइस, अच्छे प्राइस ब्रैकेट में है ये, 2 लाख के अंदर बहुत अच्छी बाइक लगती है मुझे। अगर आप स्पीड लवर हैं, भगाना चाहते हैं, बहुत मन करता है आपका भगाने का, देन यू हैव टू टेक दिस। बहुत अच्छी बाइक है, बहुत ही कंफर्टेबल सीटिंग है, एंड इवन कि बस थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है जब मैं इसे लॉन्ग टूर पे या फिर कहीं दूर लेके जाता हूँ। तो आइए गाइस, इसका एग्जॉस्ट नॉइज़ सुनाता हूँ आपको। इंजन मिल जाता है इसमें आपको, जो कि लिक्विड कूलिंग के साथ अवेलेबल है, तो ज़्यादा हीट की भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, और काफ़ी अच्छी है बाइक चलाने में। गाइस, मुझे काफ़ी मज़ा आया इसको राइड करके, एंड अभी थोड़ा सा और राइड करूँगा। रेसिंग बाइक है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, अगर आप भगाना चाहते हैं तो ज़रूर इसे बाय करें, काफ़ी अच्छी है। और गाइस, साफ़ नहीं करी उसके लिए सॉरी चाहूँगा KTM लवर्स के लिए। पूरी वीडियो एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गाइस, सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एज ऑलवेज गाइज, मेरी मेहनत और आपका प्यार दोनों कर देंगे मिलकर धमाल। थैंक यू गाइज।